मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की सेना के हौसले पर सवाल खड़ा करने वाले ऐसे नेता के बारे में क्या कहा जाए, ऐसे नेता पर शर्म आती है। चौहान ने कहा राहुल गांधी सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा ऐसे नेताओं पर शर्म आती है, किस हद तक गिर गए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ऐसे समय पर भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। उन्हें हमला करना चाहिए चीन पर, लेकिन मोदी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहें, ये नेता कहलाने के लायक नहीं है, ये हमारी सेना का अपमान है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की सेना के हौसले पर सवाल खड़ा करने वाले ऐसे नेता के बारे में क्या कहा जाए, ऐसे नेता पर शर्म आती है। राहुल गांधी सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहते हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है। वो भारत के नागरिक हैं, सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब सीमाओं पर तनाव होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब कांग्रेस के सरकार के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन किस हद तक गिर गए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कैसे समय भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। हमला करना चाहिए चीन पे, लेकिन मोदी जी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहें ऐसे नेता को, ये कोई नेता कहलाने के लायक है? हमारी सैनिकों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सेना का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।